अगर आपका भी बजट है 30 से 32 हजार रुपए और आप इंतजार कर रहे थे किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेने का, या 30 हजार में भाई मुझे ऐसा मिले स्मार्टफोन जो कि एक टाइम पर फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन था या जिसमें फ्लैगशिप लेवल के फीचर हमें देख मिले, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वन प्लस का एक स्मार्टफोन है। वन प्लस ने हालांकि अपने काफी सारे स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप किए हैं, लेकिन एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपके टाइम पर काफी ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट कर रहा है, या मतलब मैं क्योंकि न्यूज में छाया हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसके फीचर बता दूंगा कि क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन अप्रोक्स 30,000 के अराउंड ही आपको देखने को मिल जाएगा, काफी तगड़ा स्मार्टफोन भाई। 30,000 का बजट था तो आंख बंद करके आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। और हाँ, इस स्मार्टफोन का किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में बातें करते हैं। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले मैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करता हूँ कि डिस्प्ले हमें यहाँ पर कौन सी मिलती है। इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने मिल जाती है, यहाँ पर छोटी डिस्प्ले देखने मिल जाती है जो कि सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ देखने मिलती है। बेजल्स काफी हद तक कम देखने मिल जाते हैं, कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो कलर्स हैं डिस्प्ले के वो तो अच्छे देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन जो आउटडोर विजिबिलिटी है जो कि मैंने इस प्राइसिंग वाले ज्यादातर स्मार्टफोन में देखा वो काफी कम होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। 1450 nits की यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी देखने जाती है, nits की ब्राइटनेस देखने जाती है, जिससे जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है, डिस्प्ले काफी ब्राइट रहती है। अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, आपको कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है, ड्यूल स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कैमरा की, तो जितना अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले देखने में जाता है ना, उतना ही अच्छा यहाँ पर मैं कैमरा देखने में जाता है। हालांकि ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है स्मार्टफोन जिसमें 50 MP प्राइमरी कैमरा, जहां पर सोनी का IMX890 सेंसर देखने में जाता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, सोनी IMX890 सेंसर है, स्कैंडी 8 MP, थर्ड 2 MP। रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने में जाता है जिसमें 4K 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यस दोस्तों, और सेल्फी की बात करता हूँ, 16 MP की सेल्फी ये देखने जाती है, बस जो सेल्फी है ना वहां पर सिर्फ आपको 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने जाता है। स्मार्टफोन का कैमरा भाई काफी अच्छा देखने जाता है, स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी देखने जाती है। मैं आपको स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल्स है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप मैं डिस्प्ले पर देख सकते हो, और कैमरा क्वालिटी भी आप देखोगे तो स्मार्टफोन की काफी तगड़ी हमें देखने जाती है। नो डाउट यार, जो क्लियरिटी आपको देखने जाती है कैमरा के हिसाब से काफी तगड़ी देखने जाती है। आपको कैसा लगा स्मार्टफोन का कैमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों थर्ड ऑप्शन की, वो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। और अगर मैं ये कहूँ कि इस प्राइसिंग में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में, तो नो डाउट यार ये चीज बुरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, स्नैपडील का 8 Gen 1+ चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है। इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो 1.2 मिलियन प्लस के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने जाते हैं। मैं इसके एंटीटू स्कोर आपको हमारी डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, जीपीयू स्कोर और सारी चीजें मैं आपको हमारी डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी इसकी स्कोरिंग जानने में और इसकी पावर जानने में। और इसकी अगर मैं बात करता हूं, अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो, पबजी गेम्स खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, तो नो डाउट आप इजिली हाई ग्राफिक्स पर जा सकते हो और लंबे टाइम तक यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो। आपको ना तो हीटिंग का इशू देखने मिलेगा, ना ही गेमिंग का इशू देखने मिलेगा। दोस्तों मैंने इस प्राइसिंग में काफी सारे स्मार्टफोन का रिव्यू किया है और वहां पर देखी थी कि जब भी हम हैवी ग्राफिक्स पर गेमिंग करते थे ना, तो वहां पर जो बैटरी है काफी जल्दी ड्रॉप होती थी, लेकिन यहां पर आपको वो इशू देखने को मिलेगा, आप इजीली हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हो। लास्ट में फाइनली मैं बैटरी की बात करता हूं, तो अप्रोक्स 5000 mAh की बैटरी देखने को जाती है, 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और भाई बैटरी बैकअप भी काफी तगड़ी देखने को जाती है। एंड्रॉइड 13 के साथ ये स्मार्टफोन आया था, लेकिन अभी के टाइम पर आपको एंड्रॉइड 14 है जो स्मार्टफोन पर मिल जाता है। ये थे दोस्तों सारे स्पेक्स स्मार्टफोन के, तो स्पेक्स कैसे लगे 30,000 के हिसाब से बताना। अभी बात करता हूं ये कौन सा स्मार्टफोन है। ये दोस्तों OnePlus की तरफ से मिलने वाला OnePlus 11R5 स्मार्टफोन, जो कि शुरुआत में हमें 40,000 के अराउंड देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो है 30,000 के अराउंड देखने जाता है। अगर आप इसी स्मार्टफोन को अभी खरीदना चाहते हो तो अभी भी खरीद सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद, अभी नहीं हालांकि कुछ टाइम है अभी सेल्स वगैरह आने में, सेल्स वगैरह में खरीदोगे तो इजिली आपको 25,000 या 30,000 के बीच में स्मार्टफोन देखने जाएगा, थोड़ा और इसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आपको 30,000 में बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ ये स्मार्टफोन। बिल्कुल अच्छा स्मार्टफोन है, बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है, बेहतरीन कैमरा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन डिस्प्ले देखने जाती है, एंड बेहतरीन बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है। अगर आपको दोस्तों ऐसी ही वीडियो पसंद है, तो अगर मैं बताऊं कि और किन किन स्मार्टफोन के जो प्राइस ड्रॉप हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।